ये देखो दोस्तों, ये है सुपरमार्केट। इस तरह की सुपरमार्केट होती हैं सऊदी अरब में, बहुत बड़ी बड़ी सुपरमार्केटें होती हैं। ये देखो सारा सामान ऑफ़र में रहता है, तो यहाँ से ज़्यादातर लोग यही सामान ख़रीदते हैं। मेरा नाम इमरान, मैं हूँ इस टाइम सऊदी अरेबिया में। दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं सऊदी अरब आबा खमीस का कितना अच्छा मौसम हो रहा है और आबा खमीस कितना खूबसूरत है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम आबा खमीस में खड़े हुए हैं, तो चलिए आपको जो है फ्रंट कैमरा ये देखिए दोस्तों, सऊदी अरब का आबा खमीस है। इस टाइम दोस्तों सऊदी अरब का आबा खमीस का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देख सकते हैं। हल्की हल्की से ठंड होने लगी है यहाँ पर। ठंड तो हमेशा यहाँ पर दोस्तों खमीस में होती रहती है, आबा खमीस में, क्योंकि यह ठंडा इलाका है। काम करने के लिए दोस्तों आबा बहुत अच्छा है दोस्तों। तो अभी हम सुबह सुबह आए थे थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए, तो हमने सोचा आप लोगों को जो है सुबह सुबह का व्यूज़ दिखा देते हैं आबा का कितना खूबसूरत है। यहाँ पर दोस्तों गर्मी नहीं पड़ती है, पहाड़ी इलाका है, टूरिस्ट इलाका सारा, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये यहाँ का रेड लाइट है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। आबा खमीस काफ़ी अच्छा है। सुबह में देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक रहता है, क्योंकि सारे लोग स्कूल वगैरह जाते हैं, काम करने कोई ऑफिस जा रहे हैं, तो इसीलिए सुबह में बहुत भीड़ होती है। सुबह का व्यूज़ है, बहुत अच्छा है। ये है सऊदी अरब का आबा खमीस। काम करने के लिए तो दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा महंगाई भी नहीं है और गर्मी वगैरह भी दोस्तों ज़्यादा नहीं पड़ती है। मुझे तो 13-14 साल हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा शहर दोस्तों लगा आबा खमीस। आप लोग कमेंट कर करके बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों किस शहर में काम करने के लिए आना चाहते हैं, आपको कौन सा शहर अच्छा लगता है। वैसे मक्का मदीना तो है ही अच्छा उम्रा करने के लिए, लेकिन दोस्तों घूमने के लिए और काम करने के लिए दोस्तों बहुत अच्छा है ये। तो इस तरह के कॉफ़ी शॉप वगैरह होते हैं, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। तो अभी यहाँ की दोस्तों अंदर की मार्केट भी हम आपको दोस्तों को दिखाएंगे, अंदर की मार्केट कितनी अच्छी होती है, कितनी बड़ी मार्केट होती है यहाँ पर सऊदी अरब में। ज़्यादातर दोस्तों अजनबी यहीं से सामान ख़रीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सामान सस्ता मिलता है दोस्तों। तो अभी आपको अंदर ले करके चलते हैं, अंदर आपको दिखाएंगे कैसी सुपरमार्केट होती है यहाँ पर सऊदी अरब में। देखो अभी हम अंदर आ गए। ये देखो दोस्तों, ये है सुपरमार्केट। इस तरह की सुपरमार्केट होती है सऊदी अरब में, बहुत बड़ी बड़ी सुपरमार्केटें होती हैं। ये देखो सारा सामान ऑफ़र में रहता है, तो यहाँ से ज़्यादातर लोग यही सामान ख़रीदते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लकड़ी भी बिक रही है। ये लकड़ी कितने की? 42 रियाल की। बाबरे और देख सकते हैं यहाँ पे शकरकंदी भी है, आलू, सब्जी, प्याज सब कुछ दोस्तों मिल जाता है। ये देखो इस साइड में भी है, नींबू वगैरह भी कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है। हर सामान दोस्तों मिल जाएगा। ये देखो सब्जी वगैरह मिल जाती है यहाँ पर, गोभी मिल रही है। ये देखो अचार है, इस साइड में अंडे मिल जाएंगे आपको। ये देखो अंडे मिल रहे हैं, अंडे के क्रेट आपको बताते हैं कितने रियाल की है। ये 30 रियाल का अंडा है, देसी अंडा है। और वाइट वाला लोगे, वाइट वाला देख सकते हैं मिलेगा, ये 22 रियाल का, 22.5 का। 30 अंडे होते हैं, ये 18 रियाल का भी लगा हुआ है, 18 रियाल का भी ले सकते हैं।
और ये कंपनी का जो है 20.5 रियाल का है। अलग अलग कंपनियां खरीदती हैं, ज़्यादातर आदमी ये ख़रीदता है, ये कंपनी ज़्यादा अच्छी रहती है, फ्रेश अंडा करके रहता है, काफ़ी अच्छा है। ये 7 रियाल का है, ये सवाल है 7 रियाल में कितना पीस है, 2, 4, 6, 8, 10 पीस हैं, 8 रियाल का लेंगे। बड़ा भी है छोटा भी है, अगर जैसा वाला लेंगे तो कितना है, 2, 4, 6, 8, 10 पीस है इसके अंदर। और 20 रियाल में कितना अंडा है, 30 अंडा है इसके अंदर। तो इस तरह का दोस्तों रहता है। हर सामान दोस्तों मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जूस वगैरह मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी सुपरमार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी सुपरमार्केट होती है। हम तो सामान यहीं से खरीदते हैं, सामान सस्ता मिल जाता है यहाँ पर। ये चावल है अपने इंडिया का चावल है, देख सकते हैं 80 रियाल का है 10 केजी। और ये ऑयल लगा हुआ है, ये ऑयल लगा हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी काम में आ रहे हो तो सऊदी अरब के आबा खमीस में आओ, बहुत अच्छा शहर है, एकदम ठंडा इलाका है और ख़ूबसूरत भी है, काफ़ी घूमने वाला भी है। काम करने के लिए तो दोस्तों बहुत अच्छा है, यहाँ पे मन भी खूब लगता है। और एक चीज़ दोस्तों और भी है, यहाँ पर ज़्यादा महंगाई नहीं है, साग सब्ज़ी बहुत सस्ती है, क्योंकि यहाँ पर खेत वगैरह हैं तो वहाँ से आती है, तो काफ़ी सस्ता सामान यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो आप लोग एक कमेंट करके बताइए आपको सऊदी अरब का आबा खमीस कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर देना। तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। मेरे साथ में देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मोटरसाइकिल से भी डिलीवरी होती है, देख सकते हैं डिलीवरी बॉय, इस तरह की गाड़ी वगैरह होती है। तो दोस्तों मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।